दोस्तों, आपने ड्रोन से खेती में स्प्रे करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रोन की मदद से एक एकड़ खेती में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का स्प्रे करने के लिए मात्र 15 मिनट का समय लगता है। और फिलहाल इंडिया में जो स्प्रे करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो काफी पुरानी है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। 15 से 20 केजी का वजन पीठ पर उठाकर उन्हें चलना पड़ता है, तो ड्रोन काफी कमाल का तथा टाइम की बचत करने वाला इम्प्लीमेंट लग रहा है। और आज हम ये मॉडिफाइड वीडियो बना रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी इस पर 50 से 100% की सब्सिडी दे रही है ड्रोन खरीदने के लिए। तो वीडियो में हम ड्रोन्स की कीमत से लेकर सब्सिडी तक पूरी जानकारी आपको देने वाले है, ताकि हमारे मॉडिफायर्स को इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ड्रोन खरीदने के लिए 100% सब्सिडी दी जाती है 10 लाख रुपए तक। लेकिन क्या आपको पता है कि एक अच्छा एग्रीकल्चर ड्रोन जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 10 से 16 लीटर की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए SOPs को मीट करता है, उनकी कीमत 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक है। तो सब्सिडी देना तो बनता ही है, क्योंकि फिलहाल जो स्प्रेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो लगभग 3 से लेकर 10 हजार रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। और ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स 2 टाइप्स में अवेलेबल है, कुछ बैटरी ऑपरेटेड है तो कुछ प्रॉपर इंजन के साथ आते हैं, यानी आप इनमें पेट्रोल डलवा कर इन्हें चला सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन्स सस्ते हैं, इंजन के साथ आने वाले ड्रोन्स थोड़े से महंगे हैं, लेकिन बैटरी वाले ड्रोन्स ज्यादा समय तक उड़ नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी 5 मिनट से लेकर अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट तक ही हो सकती है। यानी इनमें आप कितना पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर डाल सकते हो वो भी कम होता है, अराउंड 5 लीटर से लेकर 10 लीटर तक। जहां तक बात है इंजन वाले स्प्रेयर्स की, तो इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, ये स्टार्ट ही होते हैं 15 लाख से और तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ इंजन है तो मेंटेनेंस काफी ज्यादा होगा। तो अब बात करते हैं सब्सिडी की। अब गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि अगर ड्रोन्स का उपयोग बढ़ाना है भारत में तो उन्हें प्रमोट करना काफी जरूरी है, इसलिए उन्होंने 100% सब्सिडी दी है 10 लाख रुपए तक सभी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को, कि वो अपना खुद का एक ड्रोन परचेज करे और उनके द्वारा फार्मर्स तक ये ड्रोन पहुंचा जा सके। तो गवर्नमेंट का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि सबसे पहले हमें फार्मर्स को बताना होगा कि ड्रोन से आप स्प्रेइंग अच्छे से कर सकते हो, इनके फायदे क्या है, आपका कैसे समय बच सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने और एक स्कीम निकाली है जिसके तहत सभी FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फार्मर्स को फील्ड पर डिस्प्ले देने के लिए 75% ऑफ ड्रोन की कॉस्ट का सब्सिडी देने वाले हैं। यहाँ तक कि पर हेक्टर के लिए 6000 रुपए कस्टम हायरिंग सेंटर्स को दिए जाएंगे सिर्फ ड्रोन को डिस्प्ले करने के लिए, और जो बाकी एजेंसीज है जो ये ड्रोन खरीदना चाहती है और डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहती है उन्हें पर हेक्टर 3000 रुपए सब्सिडी मिलने वाली है। और फिलहाल में जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जो FPO द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन्हें एक ड्रोन खरीदने के लिए 40% ऑफ बेसिक कॉस्ट या फिर 4 लाख जो भी कम होगा उतनी सब्सिडी दी जाएगी। यानी फिलहाल तो किसी भी इंडिविजुअल फार्मर को ड्रोन्स खरीदने के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही है, सभी कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इन सभी को गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहता है कि आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करें जिससे हमारे फार्मर्स को भी इसका लाभ हो। यहाँ तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपनी की पॉलिसीज निकाली है ड्रोन खरीदने के लिए, जिसके तहत वो ड्रोन्स खरीदने के लिए अपनी तरफ से भी सब्सिडी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, ड्रोन्स का उपयोग खेती में करना सही होगा या नहीं? साइंस और टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो ड्रोन्स का उपयोग और भी कई सारे कामों के लिए किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम बात करते हैं सामान्य टॉपिक्स पर, लेकिन कुछ अलग ढंग से। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारी वीडियो में। जय हिंद।